नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल VNKS हिंदी कहानियां। रात को मेरे ससुर के कमरे से चीखों की आवाजें आती थीं। मेरी सास तो कब की मर चुकी थी। ससुर का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर ने जो किया, तौबा तौबा। जब मैंने पहली बार दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। उस रात चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति विराट अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं विराट की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से विराट से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मेरी विराट से मोहब्बत की शादी थी, मतलब लव मैरिज। हमने एक दूसरे को शादी में पसंद किया था और वहीं से फोन से बात करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने ये शोर सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि ये आवाजें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा वो आवाज गूंजती रही, उसके बाद शांति छा गई। मुझे विराट की नींद देखकर हैरत हो रही थी, वो इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई थीं, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे। वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए था। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहां ये हवेली बनी हुई थी वहां आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील दूर थे। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बात तय हुई थी, और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहां का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नजर डाली थी, लेकिन यहां की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब चांद सूरज की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह विराट प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम, ये शहर नहीं है जो आराम से तान कर सोती रहेंगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। विराट बिस्तर से उठ के अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में हैं, वहीं पहनना है। वो मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई बहाना या वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं।
मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना। विराट कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगीं। उन्होंने ही मुझे तैयार किया। जब मैं आज सजधज कर बाहर गई तो मेरे ससुर सामने सोफे पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे, फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजार के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थीं। गर्मी और धूप में न जाने कब से वो मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थीं। मेरे ससुर कहने लगे, भाई ये हमारे घर की बहू है, नई मालकिन, विराट की बीवी है। सभी औरतों ने मुझे नमस्ते किया। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रुक नहीं पाई थी, तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आ गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। विराट से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वो पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और विराट मुझे कहने लगा, लगता है गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। उसने मुझे प्यार से देखा, फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, विराट बस जल्दी से शहर वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों विराट की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गया, कहने लगा, देखो अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैंने नींद में होते हुए भी अपनी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरा, विराट मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती विराट। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख उसी शोर से खुली थी, वही एक लड़की की चीखों पुकार, अपने बचाव के लिए मदद की गुहार। मैं तुरंत उठ बैठी और विराट को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, विराट विराट विराट, किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरी बात पर विराट ने नजरें चुराई, कहने लगा, कैसी आवाजें, मुझे तो यहां कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता था, मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन विराट को नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने हैरत से विराट की तरफ देखा। मैंने कहा, विराट ये लड़की की आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं? वो कहने लगा, नहीं तो, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। देखो मुझे बहुत कस की नींद आ रही है, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो और तुम भी सो जाओ। ये कहकर वो फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। क्या ये आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोच के तो मैं और कांपने लगी। डर की वजह से मैं विराट से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था, मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने विराट से शहर जाने की जिद करना शुरू कर दी। मैंने कहा, विराट मुझे वापस शहर जाना है, मुझे डर लग रहा है यहाँ, मुझे 2 दिन से यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। देखो विराट, मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी और विराट
मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, देखो बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं, किसी किसी को ही ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना अच्छा तुम्हें बताओ, क्या मेरी भाभियां यहां रह सकती थी? मुझे विराट की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस जल्दी से जल्दी शहर जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर ने विराट से पूछा था कि तुम शहर कब जा रहे हो। ये सुनकर विराट का चाय का कप हाथ में ही रह गया था। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से शहर भेजने का ख्याल आया। विराट ने कहा, पापा जो आपका आदेश। विराट ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। वो अपने पिता से बहुत डरता था। ससुर कहने लगे, बेटा विराट, भैया शाम तक तुम शहर जाने की तैयारी करो, वहां के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई। तो मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा, बहू भाई आज तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया, क्या बात है? मैंने कहा, मुझे अपनी और विराट की पैकिंग भी करनी है ना, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर विराट को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब वो यहीं रहेगी? ये बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं हैरानी से विराट की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर फिर मुझसे कहने लगे, देखो बहू, अब तुम हमारी इज्जत हो, इस घर की इज्जत हो, और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, शहर सिर्फ विराट जाएगा। ये सुनकर तो मैं सन रह गई थी कि विराट ने पहले ये नहीं बताया था। उसने तो यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही विराट कमरे में आ गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना विराट। तुमने मुझसे कहा था कि हम शहर में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाके बता दो ना। मेरी बात सुनकर विराट मेरे पास बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, अब सुनो, देखो मैं तुम्हें अभी शहर नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहां रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहां की दूसरी औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहां कैसे रहूंगी विराट? रात के वक्त उन चीखों की आवाजों से मेरी जान निकल जाएगी। मुझे बहुत डर लगता है विराट। वो मुझसे कहने लगा, देखो तुम उन चीखों पे ध्यान मत दो, वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। बस तुम अपना कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। विराट की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। विराट कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर देता हूँ, वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन हाँ, तुम बस ये कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। विराट शाम को शहर के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाजें आती तो मेरी आंख खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाजें आती थी वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी।
मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाजें नहीं सुनी। मैंने उसके डर से ये तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और है, इसलिए उससे कहा, मैं जानती हूं कि वो आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा बहुरानी। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी कि आखिर मालूम तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब उन चीखों की आवाजें सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है ये जान कर रहूंगी, इसका पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे वो आवाजें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वो आवाजें अब मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरे ससुर का कमरा था जहां से लड़की की चीखों की आवाजें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। विक्रम यानी कि मेरे ससुर के कमरे से वो आवाजें सुनना, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे और फिर वो आवाजें। मैं खुद से बातें करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी, मैं उनके बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा ससुर और पराई औरतों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, लगता है विराट ने फोन पर मेरी बहू से बात नहीं की। तभी रो रो के आंखें सुजा ली हैं तुमने। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद ही मुस्कुराने लगे, फिर बोले, बहू विराट वहां बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया है। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था, दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को? ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूं। रात को जब दोबारा वही आवाजें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के एक होल से देखने लगी। वो एक 18 साल की लड़की थी, वहीं गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने विराट को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। वो चीखें गांव की मासूम लड़कियों की हैं, जो तुम्हारे पिता की हवस का निशाना बनती हैं।
मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब विराट से कह दिया। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, अपनी जबान को बंद रखो जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें विक्रम की ताकत का अंदाजा नहीं है, जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं विराट की बात सुनकर हैरान हुई। मतलब वो अपने पिता के बारे में ये सब जानता था। मैंने फोन बंद कर दिया। बुराई होता देख मैं कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहां ऐसा कोई नहीं था जो विक्रम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि विक्रम कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। विक्रम के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 2 बजे विक्रम उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 17 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। विक्रम एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बचाकर थक गई तो विक्रम के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, ए, नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका दिया, फिर उसके पेट पर अपने पैर से मारने लगा। वो लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया और वहीं खड़ी रही। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। विक्रम तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद उसने मुझे देख लिया था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाके छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वो नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली के दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस शहर जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई।
पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। शहर पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि DIG थे उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था। विक्रम के साथ साथ विराट भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे। मैंने विराट से डिवोर्स ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थीं।